नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। गोरखपुर में होलिकोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। होलिकोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। 6 किलोमीटर में के चलते ये कई जगहों से गुजरेगी ये यात्रा, और फिर घंटा घर पर ही समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा का आयोजन आरएसएस की ओर से किया गया है। तो इस वक्त ये यात्रा चल रही है और तस्वीरें देखिए, जहां सीएम योगी ने भी यहां समर्थकों के साथ होली खेली है। भाजपा कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आरएसएस की ओर से इसका आयोजन किया जाता है और देख सकते हैं आप, जहां गोरखपुर में रंगों की होली आज खेली जा रही है। फूल भी सीएम योगी यहां मौजूद लोगों पर डालते नजर आए और उन्होंने भी सभी के साथ होली खेली। इस बार की होली का रंग और ज्यादा चटक है, क्योंकि भाजपा की जीत और होली के रंगों का मिश्रण एक अलग उत्साह पैदा कर रहा है, और वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां होलिकोत्सव कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए और आज भगवान नरसिंह की ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे रवाना सीएम योगी ने किया है। और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भव्य तैयारियां इसकी की गई थी और इस तरह से कुछ इस बार नरसिंह की शोभा यात्रा रवाना की गई है। 1945 से ये नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। गोरखपुर में 6 किलोमीटर का ये पूरा शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, और देखिए उस दौरान सीएम योगी किस तरह पूरे उत्साह और उमंग के साथ मौजूद लोगों के साथ फूलों की होली, गुलाल की होली खेलते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 किलोमीटर की कई जगहों से गुजरेगा ये पूरा शोभा यात्रा, और उसके बाद ये शोभा यात्रा घंटा घर पर ही समाप्त होगी। शोभा यात्रा का आयोजन आरएसएस की ओर से किया गया है। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। होलिकोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से शामिल रहे हैं, और यहां मौजूद लोगों में जो उत्साह है, उमंग है, वो देखते ही बन रहा है। गोरखपुर में आज रंगों की होली खेली जा रही है, और हमारे संवाददाता विवेक भी इस वक्त गोरखपुर में इसी शोभा यात्रा में मौजूद हैं। विवेक, थोड़ी जानकारी दें, कहां तक पहुंची है ये शोभा यात्रा, और सीएम योगी भी मंच पर होली खेलते हुए हमने देखे हैं। विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भीड़ और शोर बहुत ज्यादा है, और दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे विवेक का। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये शोभा यात्रा निकल रही है गोरखपुर की गलियों से आज, और देखिए कितनी भीड़ है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, और यहाँ पूरे जोश के साथ मौजूद हैं आरएसएस के कार्यकर्ता भी, और ये आरएसएस की ओर से ही आयोजन किया जाता है इसका, और गोरखपुर वासी यहाँ पूरी तरह से शामिल हैं इस शोभा यात्रा में। हालांकि पिछले 2 सालों से इस शोभा यात्रा को नहीं निकाला गया, लेकिन आज खुलकर लोग मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी विजयी हुए हैं, और आगे भी जब भी सार्थक और सात्विक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो विजय श्री आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमें हमेशा चुनौतीपूर्ण मार्ग को चुनना होगा, और चुनौतीपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना होगा, उसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आज आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों के अंदर कोरोना जैसी महामारी, दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए। उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। शोभा यात्रा को रवाना करने से पहले सीएम ने ये संबोधन दिया था, और विवेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, जानना चाहेंगे कहां तक पहुंची है ये शोभा यात्रा? शोभा यात्रा निकली है अभी कुछ ही, मेरे ख्याल से 100 मीटर भी नहीं चली, और आप उत्साह देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का उत्साह गजब का है। होली, आज होली है, और छज्जों से पिचकारियां बाल्टियों में भर भर के रंग फेंका जा रहा है। वो सामने जो नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा है, वो सामने निकल रही है, आप देख रहे हैं। उसके आगे ये एक जीप चल रही है, जिसमें लोग, आरएसएस के लोग और आयोजन समिति के लोग शामिल हैं। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग रंगे पुते गुलाल से, अबीर से,
लाल हरे नीले पीले रंगों से रंगे हुए लोग, डांस हो रहा है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं और आरएसएस के जो आयोजक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके किसी तरह से। सीटियां बजाते हुए, सीटियां भी बज रही हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, सीटियां बजाते हुए लोग यहां पर सबको लाइन से लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और डांस जुनून जो रंग छत से रंगों भरा पानी फेंका जा रहा है और हम लोग पूरे एबीपी गंगा की टीम भी यहाँ पर रंगों से सराबोर हो चुकी है, भीग चुके हैं, पूरी तरह से भीगे हुए हैं और जो आयोजन है वो भी ये शुरुआत है, यानी अभी आगाज हुआ है इस यात्रा का। ये यात्रा शुरू हुई है, 100 मीटर ही चली है और तंग गलियों से होते हुए 8 किलोमीटर लंबी ये यात्रा शहर के अलग अलग स्थानों से निकलेगी और उस दौरान जैसा नजारा आप ये कैमरे में देख रहे हैं उसी तरह का नजारा रहने वाला है होली का। ये नजारा जबरदस्त तरीके से, चूंकि आज की होली खास इसलिए है क्योंकि ये जीत की होली है, योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जो सुपुगाहट है, चर्चा है और शपथ ग्रहण होना है 25 तारीख को। शपथ ग्रहण में योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ लेंगे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये होली का त्यौहार तो है ही, ये जश्न का भी मौका है, जोश इसीलिए यहाँ पर हाई है, इसीलिए लोग उत्साह से और सारा जो चरम पर उत्साह है, जोश है, अंदाज देखिए लोगों का यहाँ पर जिस तरह से डांस कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से नाचते गाते। देखिए नाचते गाते लोगों का उत्साह ऐसा है कि अनियंत्रित हो चुका है। लोग अभी कुछ देर पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो छोटा सा एक संक्षिप्त संबोधन दिया था उसमें कहा था कि ये जोश की होली है, उत्साह की होली है, लेकिन होश ना खोए लोग इस होली में, होश ना खोए, जोश में होश ना खोए, ये जरूरी है। और रंग इस तरह से खेले कि किसी के आंखों में ना जाए, किसी को नुकसान ना हो, इस तरह से रंग खेलें। और छतों से लगातार लोग पानी बौछारे कर रहे हैं, रंग भरा पानी है, लाल हरा नीला पानी, महिलाएं खड़ी हैं छत पर, आप देखिए महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो छतों से पानी बरसा रहे हैं। और हाँ बोलिए बोलिए, गोरखपुर में राम उतर आए हैं, राम होली राम के साथ मनाएंगे, एकदम साथ चार बाबा हमारे राम है, श्री राम यूपी में बाबा, यूपी में बाबा बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे महाराज जी बाबा है, बाबा जिस तरह से ये यहाँ पर आपने देखा कि लोगों का उत्साह, ढोल नगाड़े शंख शंख भी बजा रहे हैं लोग, यानी हर तरह के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं बजाए जा रहे हैं, झूम रहे हैं लोग। और मैं भी पूरी तरह से सराबोर हो चुका हूँ रंगों में, भीग चुका हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक लाल हरा नीला पीला जितने भी रंग होते हैं सब मुझमें इस समय समा चुके हैं। मेरा भी बाल भी मेरे सारे जो रंग से भर चुके हैं, भीड़ इतनी है कि रास्ता नहीं मिल रहा है निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चूंकि ये सकरा रास्ता है और यहाँ से आगे यात्रा चल रही है। इस रास्ते पर तमाम लोग जो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, चूंकि होली का त्यौहार है तो सब अपने बरामदे में खड़े हैं, जो बरामदा है जो उस पर खड़े हैं और वहाँ से लोग रंग खेल रहे हैं, रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं, उत्साह और खुशी जो माहौल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना खुश है। और रास्ते भर देखिए, पूरा रास्ता अगर आगे आप बिल्कुल विवेक हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत मुश्किल है इन तस्वीरों को पूरी तरह से दिखा पाना, लेकिन आप ये प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आपका रुख करते रहेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे।
उत्तराखंड में अब जल्द ही सीएम फेस पर फैसला हो सकता है, क्योंकि भाजपा के सभी विधायकों को आज देहरादून बुलाया गया है और कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। सभी भाजपा विधायकों को आज शाम तक देहरादून पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए सीएम के लिए जद्दोजहद जारी है, देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन हो रहा है। हालांकि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा के सामने सीएम पद के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन पार्टी हाईकमान के ऐलान का सभी को इंतजार है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 20 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी देहरादून आ सकते हैं। यहां वे विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। विधायकों की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक के अगले दिन उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि सीएम पद को लेकर भाजपा में दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाताओं का। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही विनोद कुमार देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अब फाइनल पूरी तरह से हो चुका है, पर्यवेक्षकों की जो टीम है 2 सदस्यीय, ये कब रवाना होगी उत्तराखंड के लिए? देखिए, अगर बात करें तो पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल सुबह 11 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे, जहां पे फिर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उससे पहले तमाम सारे पार्टी के जो संगठन के नेता हैं उनसे बातचीत होगी, उनसे मुलाकात होगी और उनसे राय मशविरा होगा। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी देते कि आज शाम गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो सकती है, जिसमें अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद होंगे, जहां पे अंतिम मुहर लगाया जाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, किसके नाम पर सहमति जताई जाए और कब शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए। क्योंकि जिस तरीके से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने महाविजय हासिल किया, तो 4 राज्यों में सरकार गठन को कवायद लेकर तेज हो गई है कि अब 4 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा, किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा और किस तरीके से मंत्रिमंडल होगा, इसको लेकर के आज देर शाम प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो सकती है पार्टी के शीर्ष नेताओं की, जिसमें तमाम सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं पर्यवेक्षकों की बात करें तो कल पर्यवेक्षक पहुंचेंगे देहरादून में, जहां पर पार्टी के पहले संगठन के तमाम सारे नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद फिर विधायक दल की साथ बैठक करेंगे और फिर जो भी नाम आज देर शाम की बैठक में तय होगा उसे कल विधायक दल की बैठक में ऐलान किया जाएगा और उसके बाद 22 मार्च को जानकारी मिल रही है शपथ ग्रहण समारोह होगा। चूंकि कल नामों की घोषणा होगी, एक दिन पूरा समय लगेगा तैयारियों में, जिससे कि तमाम सारे लोगों के पास आमंत्रण जाता है, तमाम सारे लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है, ये शिष्टाचार होता है, ये औपचारिकताएं होती है, तो उसको पूरा करने के लिए एक दिन का समय लगेगा। बाकी 22 मार्च को उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि कल पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और कल पर्यवेक्षक पहुंच के बैठक करेंगे, जिसमें फिर सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और विनोद का भी रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद, बताएं कि जैसा विनाश ने बताया, कल यहां से पर्यवेक्षक रवाना हो जाएंगे दिल्ली से, देहरादून में कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारी अभी नए सरकार के नए मुख्यमंत्री को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हो पाया है कि राजभवन में नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी या फिर परेड ग्राउंड में, ये 2 ऐसे वेन्यू हैं अभी तक, हालांकि कोई फाइनल वेन्यू नहीं हो पाया, लेकिन तैयारी पूरी तरह से है। अभी जिस तरह से वरिष्ठ सहयोगी अविनाश तिवारी जी ने बताया कि कल पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचेंगे, और ये मैं आपको ये भी अपडेट कर दूं अन्नू कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में होली का पर्व मना रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से बुलावा आया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों से निकल कर देहरादून पहुँचे, क्योंकि कल विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। दोनों पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून आ सकते हैं, और विधानमंडल दल की बैठक से ठीक पहले वो अलग अलग विधायकों से बातचीत कर सकते हैं, राय शुमारी कर सकते हैं। और जैसे ही अविनाश जी ने बताया कि दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के मध्य के बीच होने जा रही है कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, सबको इंतजार तो इसी बात का है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, उसको लेकर पूरी तरह से गहमी जरूर है उत्तराखंड में भी। और जिस तरह से पिछले 10 दिन ऐसे हो चुके हैं अन्नू की दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार बैठकों का दौर हो, बीएल संतोष हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम ये पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में बैठक हुई है और जितने भी उत्तराखंड के नेता हैं
उनसे भी बारी बारी से बातचीत की गई। आखिरकार किस तरीके की तैयारी है उत्तराखंड में भाजपा की और आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। संशय जरूर अभी बना हुआ है लेकिन लंबी फहरिस्त भी इसमें शामिल है, चाहे धन सिंह रावत हो, सतपाल महाराज हो, मदन कौशिक हो, महिला नेत्री रीतु खंडूरी हो, या फिर इस तरीके की भी संभावनाएं जताई जा रही है क्योंकि कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के को रिपीट करने के लिए उनके लिए सीट खाली करने का भी ऐलान उन्होंने किया है। तो ऐसी संभावना भी है कि केंद्रीय आलाकमान मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को भी कमान सौंप सकता है। हालांकि अभी संशय बरकरार है लेकिन ठीक मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर, विधानमंडल दल की बैठक को लेकर पूरी तैयारी राजधानी देहरादून में की जा रही है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो आज शाम तक देहरादून पहुंच जाएंगे और उसके अलावा कल देहरादून में ही विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। दोनों पर्यवेक्षक देहरादून में आएंगे और तमाम पार्टी के विधायकों के साथ में बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे आखिरकार। बिल्कुल, और उन्हीं की राय के आधार पर एक रायशुमारी बनाने के बाद ही ये नाम तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अविनाश और विनोद आप लोगों। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा कार का हुआ है जहां पेड़ से टकराने पर 3 लोगों की इस कार हादसे में मौत हो गई है जबकि एक गंभीर है। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से राजासरी होली पूजा में ये लोग आ रहे थे, मारुति स्विफ्ट कार बताई जा रही है जो कि अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी तो वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।